नमस्कार दोस्तों, कामयाब तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 4 जुलाई के हरियाणा करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अपने साथ नोटबुक पेन कॉपी साथ लेकर बैठे और प्रश्नों को नोट करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली निवासी मनीष सैनिक की फिल्म ने जापान की राजधानी टोक्यो में कितने पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 3। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली निवासी मनीष सैनी की फिल्म ने जापान की राजधानी टोक्यो में 3 पुरस्कार जीते हैं। एशिया इंटरनेशनल शॉर्ट्स फिल्म प्रतियोगिता 2023 में पुरस्कार दिए गए। मनीष सैनी की लघु फिल्म गिद्ध ने भारत की ओर से प्रतियोगिता जीती है। जीत के साथ ही फिल्म ने ऑस्कर की रेस में भी अपनी जगह बना ली है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने की जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक में कितनी जल आपूर्ति योजनाओं की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 695, ऑप्शन सी 795, ऑप्शन डी 800। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 795। अगला प्रश्न है, हरियाणा के जिला गुरुग्राम में स्थित हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए मनोहर सिटी सेंटर, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य सिटी सेंटर, ऑप्शन सी गुरुग्राम सिटी सेंटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी गुरुग्राम सिटी सेंटर। अगला प्रश्न, हरियाणा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पूर्व चेतावनी और अलर्ट के लिए कौन सा राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए सचेत, ऑप्शन बी निगरानी, ऑप्शन सी सूचना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए सचेत। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में G20 के स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी गुरुग्राम। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रश्नों को आप प्रतिदिन नोट जरूर करें।